हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज मैं बहुत ही आसान, उपयोगी और हेल्पफुल दादी माँ के घरेलू नुस्खे की वीडियो लेकर आई हूँ, जिससे आप सब कैसे छोटे मोटे बीमारियों से बच सकते हैं। आज का नुस्खे शुरू करते हैं। नंबर एक, रोजाना सोने से पहले जैतून के दो दाने एक गिलास दूध के साथ खाने से बवासीर से निजात मिल जाती है। नंबर दो, दाद पर कच्चे पपीते का रस लगाने से दाद और खुजली कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। नंबर थ्री, खजूर और दही एक साथ खाने से छाती साफ रहती है, बलगम नहीं आता और गला भी साफ हो जाता है। नंबर चार, पतले कपड़े की पोटली में गीली मिट्टी बांध कर पेड़ों पर बांधने से कब्ज दूर होती हैं। नंबर पाँच, शरीर में कहीं जल जाने पर मिट्टी का तेल रुई के फाहे से लगाए। नंबर छः, सफ़र पर जाने से पहले पुदीने की डंडियाँ चबाने से उल्टी और मतली की दिक्कत नहीं होती हैं। नंबर सात, नियमित रूप से पिस्ता खाने से दिमाग तेज होती है। नंबर आठ, लहसुन को जलाकर शहद और सिरका में मिलाकर लगाने से फोड़े फुंसियाँ खत्म हो जाती हैं। नंबर नौ, अदरक का रस व पांच तुलसी के पत्तों का रस गर्म करके बच्चों को दिन में तीन बार देने से पेट दर्द दूर होती है। नंबर दस, जैतून का तेल उंगली पर लगाकर कान में लगाने से सुनने की ताकत बेहतरीन हो जाती है। नंबर 11, पान में खाए जाने वाला चूना व गेरू लगाने से बाल तोड़ ठीक हो जाता है। नंबर 12, मधुमक्खी के काटने पर गुलाब जल का इत्र डंक पर लगाने से जहर उतर जाता है। नंबर 13, गर्म दूध में हल्दी डालकर पीने से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। नंबर 14, 5 ग्राम आम की गुठली ताज़ा पानी के साथ कुछ दिन लेने से दमा की बीमारी में फायदा होती है। नंबर 15, यदि कान में कीड़ा चला जाए तो कान में सरसों का तेल भर दे, कीड़ा अपने आप बाहर आ जाएगा। नंबर 16, ग्वार पाठे का छिलका उतार कर हल्दी छिड़क कर आँख पर सेक कर पैर के तलवों पर बांधने से आँख दर्द दूर होता है। नंबर 17, थायराइड का इलाज घरेलू तरीके से करने के लिए हरा धनिया पीस कर चटनी बनाएं और एक चम्मच चटनी पानी में मिलाकर पिए। नंबर 18, नौसादर और हल्दी मिलाकर सूंघने से आधी सीसी का दर्द दूर हो जाती है। नंबर 19, हार्ट अटैक से दूर रहने के लिए लौकी का जूस पिए और लौकी की सब्जी खाए। नंबर 20, तुलसी का चाय बनाकर पीने से नज़ला जुकाम शांत हो जाती है। नंबर 21, दिल की बीमारियों से बचने के लिए अपने खाने को रिफाइंड तेल की बजाय सरसों के तेल में पकाएं। नंबर 22, दांत में दर्द होने पर अदरक का टुकड़ा नमक के साथ दांत के नीचे दबाने से आराम मिलता है। नंबर 23, अदरक, तुलसी, इलायची और लौंग को चाय में मिलाकर पीने से खांसी ठीक हो जाती है। नंबर 24, बार बार प्यास लगने पर जरा सा कत्था और आंवला मुंह में रखने से प्यास बुझता है। नंबर 25, 4-5 काली मिर्च मक्खन के साथ खाने से शरीर की सूजन कम हो जाता है। नंबर 26, नींबू की सिकंजी में ग्लूकोज मिलाकर पीने से मतली और बमन बंद होती है। नंबर 27, अंगूर नमक के साथ खाने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता है। नंबर 28, बासी मुंह अदरक की खुशबू सूंघ ले, इससे फालिस की बीमारी नहीं होती। नंबर 29, रात में सोने से पहले दोनों नाक में दो दो बूंद गाय के शुद्ध घी डालने से लकवा में लाभ होता है।
नंबर 30, अगर पेट फूल गया है तो जरा सा तारपीन का तेल लेकर पेट पर हल्का मालिश करने से शीघ्र आराम मिलता है। नंबर 31, प्याज पीसकर नाभि पर लेप करने से अतिसार में बहुत लाभ होता है। नंबर 32, हिचकी आने पर कैथे का रस पीपल और शहद के साथ खाने से लाभ होता है। नंबर 33, कच्ची भिंडी को मिश्री के साथ 7 दिन तक लेने से धातु रोग में आराम मिलता है। नंबर 34, रात को सोते समय पान में चुटकी भर मुलहट्टी का चूर्ण लेकर मुंह में रखकर चूसने से गले का दर्द दूर होती है। नंबर 35, कलौंजी को सिरके के साथ पीसकर चेहरे पर लेप करने से दाद और मुहाते ठीक हो जाते हैं। नंबर 36, बच्चों के सांस चलने व पतली में दर्द होने पर पान के पत्ते पर सरसों का तेल लगाकर गर्म कर दर्द वाले जगह पर बांध दे। नंबर 37, बबूल की लकड़ी को कोयले के साथ महीन पीस कर सुबह शाम मंजन करने से दांत चमक उठते हैं और मसूड़े से बदबू नहीं आती। नंबर 38, 6 ग्राम मेथी व 20 ग्राम शहद पानी में घोल कर पीने से बलगमी खांसी और दमा में लाभ मिलता है। नंबर 39, 2 ग्राम चौलाई के जड़ 2 ग्राम रसौत को शहद में मिलाकर 7 दिन तक सेवन करने से हर प्रकार के हृदय रोग दूर हो जाते हैं। नंबर 40, लड्डू या हलवा में मेथी दाना पीस कर देने से ठंड लगे व्यक्ति को शीघ्र लाभ होता है। नंबर 41, पीली मिट्टी को महीन पीस कर पानी के साथ गाढ़ा लेप बनाकर पेड़ों पर लगाने से रुका हुआ पेशाब खुल कर आता है। नंबर 42, चौलाई के पत्ते को पीस कर घी में मिलाकर खाने से बहुमूत्र रोग ठीक हो जाते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की नुस्खे वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में घंटी का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो आप देख पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नए टिप्स वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।